झाड़ फूंक के नाम पर महिला से ठगे सोने चांदी के 5 थान गहने। दोनों ठगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कोपागंज मऊ तंत्र विद्या और झाड़ फूंक कर महिला की मानसिक बीमारी दूर कर सक ने चांदी के 5 थान सोने के जेवरात उड़ाने वाले दो ठगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दोनों ठगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पीड़ित महिला के पति ने पुलिस को दिए गए तहरीर में गहने बरामदगी कर कार्रवाई करने की मांग की है। इटोरा डोरीपुर निवासी जयप्रकाश की पत्नी डिंपल मजवारा के पास पतिला गांव में अपने मायके गई। इसी दौरान भीख मांगने के नाम पर दो अधेड़ महिला के घर पहुंचे। महिला अकेले घर में थी। आवाज देने के बाद जैसे ही महिला घर से बाहर निकली तो देखा कि दो लोग घर के बाहर खड़े हैं। महिला जैसे ही पैसे लाने के लिए घर में गई, इसी दौरान दोनों ठग महिला के पीछे पीछे घर में चल दिए। यह देख महिला दोनों को घर में आने से रोकना चाहा तो दोनों झाड़ फूंक और तंत्र विद्या से बड़े बाधा और मानसिक परेशानी दूर करने की शर्तिया दावा करने लगे। महिला भी उनके बातों में आ गई। इस दौरान दोनों ठग ने महिला से गहने लाकर झाड़ फूंक करने की बात कहने लगे। महिला ने घर में गई और तत्काल सोने और चांदी के 5 गहने दे दिए, जिसके बाद दोनों ठग के कपड़े में चावल और रुद्राक्ष रखकर पोटली बना दिए और कहने लगे कि इसमें तुम्हारा दिए गए गहने भी रखे गए हैं। इसके बाद दोनों ने महिला से पानी मांगा। पानी देने के बाद महिला जैसे ही घर में गई और पोटली खोली तो चावल और रुद्राक्ष के अलावा और कुछ नहीं निकला। महिला जैसे ही वापस आई दोनों ठग फरार हो गए, जिसके बाद महिला चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण वहां आ गए और दोनों ठगों की खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के बाद आखिरकार दोनों ठगों को ग्रामीणों ने एक गांव से पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। दोनों ठग बलिया जनपद के निवासी हैं।